गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। आज सुबह यानी कि रविवार को 7:30 बजे के करीब दौलताबाद चौक के पास जो द्वारका एक्सप्रेसवे का एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर गिरा था, उसका सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आ गया है। वो सीसीटीवी फुटेज आप लोगों को दिखाते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हमारे पास उपलब्ध हैं, जिसमें जो समय दिखाई दे रहा है कि 7:27 पर सुबह, जब आसपास भीड़ भड़क्का नहीं था बिल्कुल भी, उस समय ये निर्माणाधीन फ्लाईओवर भर भरा कर नीचे गिर गया। सीसीटीवी की तस्वीरें हैरान कर देंगी। और सुबह ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि जो इस लॉन्चर के ज़रिए इन स्लैब्स को लटकाया जा रहा था, उस लॉन्चर में कहीं कोई गड़बड़ हुई है और लॉन्चर की वजह से ये फ्लाईओवर नीचे ध्वस्त हुआ है। लेकिन अगर गौर से देखें तो सबसे पहले इसमें जो स्लैब बिल्कुल फिट किया जा चुका था पिलर्स पर, वो स्लैब बीच में से धराशायी हुआ और उसके बाद पूरा लॉन्चर जिस पर सारे स्लैब लटके हुए थे वो सारे नीचे आकर धड़ाम से गिर गए। फ्लाईओवर के नीचे गिरते ही चारों तरफ धूल का गुब्बार छा गया और इसकी धमक, इसकी आवाज़ इतनी ज़ोर की थी कि आसपास जो इलाके हैं उनमें ऐसे कंपन महसूस किया गया कि मानो भूकंप आ गया हो। आपको तस्वीरें भी हिलती हुई नज़र आ रही होंगी। दरअसल जब ये फ्लाईओवर का हिस्सा नीचे गिरा तो एकदम इतना ज़ोरदार धमाका हुआ जिसकी वजह से भूकंप जैसी जो महसूस झटके लोगों ने किए और सीसीटीवी जो कैमरे सामने लगे हुए थे वो हिलने लगे। तस्वीरों के माध्यम से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की गई कि निर्माण के दौरान ही इस तरह ये स्लैब भरभराकर गिर गया। इससे पहले कुछ महीने पहले ही जब सोना रोड पर इस तरह का फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, उसका भी एक ऐसे ही हिस्सा स्लैब जो कि पूरी तरह फिट की जा चुकी थी वो भी इसी तरह भरभराकर गिर गई थी। और अब द्वारका एक्सप्रेसवे पर तकरीबन 80 मीटर लंबा ये स्लैब बताया जा रहा है जो नीचे गिरा है। जितना ये क्षतिग्रस्त हुआ है उसकी जो दायरा है वो तकरीबन 80 मीटर है। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई है। हालांकि इसमें 3 लोग इंजर्ड जरूर हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी ये भी मिली है कि 2 शख्स ऐसे हैं जिनको माइनर इंजरी आई है, लेकिन एक व्यक्ति जिसको ज्यादा चोट आई है उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के तमाम आला अधिकारी, डीसीपी, एसीपी और एसएचओ लेवल के कई अधिकारी मौके पर पहुंचे थे और अभी जो एसडीआरएफ की टीम है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन चला रही है कि इस फ्लाईओवर के नीचे जो ये स्लैब नीचे धरती पर पड़ी है इनके नीचे कोई और तो नहीं है। हालांकि जो प्राथमिक सूचना मिली है पुलिस को उसके अनुसार इस हादसे में कोई भी नीचे फ्लाईओवर के दबा हुआ नहीं है, लेकिन ये सीसीटीवी फुटेज जो हम आप लोगों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं गुरुग्राम न्यूज़ पर, ये हैरान कर देने वाली है कि किस तरह लापरवाही का आलम हो गया है कि अगर बनने के बाद अगर ये फ्लाईओवर गिरता है तो कितनी जानों पर संकट हो सकता है। ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्या इस निर्माण में कोई चूक हुई, कोई गलती हुई या फिर गलत मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। और आपने देखा होगा कि इसी तरह के स्लैब, जैसे ये स्लैब ब्लॉक्स में है, इसी तरह ब्लॉक्स को मिला मिलाकर स्लैब जो एलिवेटेड फ्लाईओवर है सोना रोड पर, वहाँ भी ऐसे ही फ्लाईओवर बनाया जा रहा है और वहाँ भी इसी तरह का हादसा हुआ था कि स्लैब अचानक भर भराकर गिर गई थी। अब सवाल ये है कि जवाबदेही किसकी है? इतनी बड़ी इंजीनियर्स की टीम लगाई जाती है, आखिरकार जवाबदेही किसकी होगी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट में जिसमें 4 मार्च को केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इस पूरे फ्लाईओवर का निरीक्षण करते हैं और ये भरोसा दिलाते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही इस पूरे प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है नितिन गडकरी जी का, और इस प्रोजेक्ट को जल्दी पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन अगर इस तरह के हादसे होते हैं, कहीं ना कहीं ये जल्दबाजी का प्रेशर तो नहीं है इंजीनियर्स पर जो निर्माण कर रही है कंपनी L&T, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा हो कि इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए और इसी प्रेशर के चलते इस तरह की चूक हो रही हो। ऐसी ही प्रेशर जो हो सकता है कि सोहना रोड पर जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है एलिवेटेड फ्लाईओवर, वहां भी इसी तरह प्रेशर हो सकता है, क्योंकि वो भी 2020 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था लेकिन अब 2021 है और अब उसकी डेडलाइन 2022 की दी गई है। तो सवाल ये है कि आखिरकार हमारे देश में प्रेशर से काम होगा, संयम से काम होगा या फिर इस तरह की लापरवाहियों से काम होगा। देखना होगा कि क्या गुरुग्राम पुलिस इसमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करेगी। हालांकि सोना रोड पर जब फ्लाईओवर गिरा था तो कुछ एनजीओ जो चलाते हैं लोग, उन्होंने ज़रूर कंप्लेंट की थी गुरुग्राम पुलिस के पास कि जो संबंधित अधिकारी है लापरवाही के चलते उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब देखना होगा कि द्वारका एक्सप्रेसवे पर जो ये हादसा हुआ है, क्या इसमें किसी अधिकारी की या जो निर्माणाधीन कंपनी है उनके अधिकारी की किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई बनेगी, कोई कानूनी कार्रवाई की जाएगी, या फिर केवल NHAI द्वारा
कुछ पैसों का जुर्माना लगा दिया जाएगा और प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन डेट है उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा। तो ऐसे में बड़े सवाल उठते हैं ऐसे निर्माण को लेकर कि आखिरकार कब तक इस तरह की लापरवाहियां बढ़ती जाएंगी। जब निर्माण के दौरान ही अगर ये फ्लाईओवर इस तरह से गिरते हैं तो इन पर क्या भरोसा किया जा सकता है कि ये निर्माण के बाद भी जब इन पर गाड़ियां चलने लगेंगी तब ये सुरक्षित होंगे। तो ऐसे में हमारी आपसे यही अपील है कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोग देखें कि आखिरकार फ्लाईओवर गिरा कैसे, क्या कुछ हादसा हुआ। क्योंकि अभी तक सबके मन में ये था कि ब्लॉक्स जिस लॉन्चर के जरिए लगे हुए हैं वो उस लॉन्चर में कोई गड़बड़ हुई है और उसकी वजह से ब्लॉक्स नीचे आए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। सीसीटीवी की ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि जो स्लैब लगा दिया गया था उसकी सबसे पहले वो नीचे गिरा है और उसकी वजह से सारा ये हिस्सा धराशायी हो गया। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा और इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।